नमस्कार, मैं अल्फा वासनिक, कृषि समृद्धि में आपका स्वागत है। जैसे कि आजकल की पीढ़ी बहुत आगे बढ़ती जा रही है, उन्हें प्रोत्साहित करने में सबसे बड़ा हाथ उनके माँ बाप का होता है। पर ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहित करने, उन्हें सपोर्ट करने के लिए कुछ व्यक्ति है जो आगे आते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति आज हमारे बीच में मौजूद है, मिस्टर लुटे जी कस्तूरचंद बाल सदन कामटी से। आइए इनसे बात करते और इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनके आश्रम के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। पहले तो सर, मैं आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। तो सर, आपके आश्रम को चालू हुए कितने ईयर्स हो चुके हैं? अभी 55वां साल चालू है। 23/3/1963 में संस्था की स्थापना हुई थी। तब संस्था का नाम था हिंदू अनाथल है। उसके बाद 79 में विवेकानंद बात सदन हुआ। 2016 में सर कस्तूरचंद डागा बासा रहे। अभी के टाइम में आपके आश्रम में कितने बच्चे हैं? अभी आश्रम में 20 बच्चे हैं, जिनकी उम्र 6 साल से ऊपर और 12 साल के अंदर है। और आपके आश्रम में बच्चे आते कैसे? आश्रम में बच्चे CWC एंड बाल कल्याण समिति, जिनके आदेश से आते बच्चे। गाइड बच्चे रहने का अधिकार हम तो है। क्या आश्रम के बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ, आश्रम के बच्चे सभी स्कूल जाते हैं। बच्चों की देखभाल कौन करता है आश्रम? बच्चों की देखभाल करने के लिए कुल 4 आया 3 नर्सेज 1 टीचर, इसके टोटल के तौर पर काम करते हैं। ये बच्चों की देखभाल करते हैं। ओके, जैसे अभी पता है आपको कोरोना का दौर चल रहा है, तो आपने क्या क्या प्रिकॉशन लिए बच्चों के आश्रम में? कोरोना की वजह से क्या एक स्कूल बंद है। यहाँ पर बच्चों को हम किसी से मिलने देते नहीं। बाहर से जो भी गेस्ट आते हैं उनको बांध के जाने देते हैं। और साथ में बच्चों के लिए सैनिटाइजर, मास्क, ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल बच्चे करते हैं। और बच्चों के खेलने कूदने की, खाने की और सोने की क्या व्यवस्था है आपके आश्रम में? खाने पीने की और खेलने की सभी व्यवस्था है। उनके इतना बड़ा मैदान है, मैदान के है और मैदान में खेलने के सभी सामान है। खाने पीने का भी साधन पूरे करते हैं। अगर बच्चा ज़्यादा बीमार है तो नागपुर में हम लोग भर्ती करते हैं, इंजन वाला नर्सिंग होम में। अगर साधारण बीमारी है तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है डॉक्टर दाकप्रिया, वो यहाँ के अध्यक्ष भी है और मेडिकल ऑफिसर वो भी है, वो बच्चों की देखभाल करते हैं। और कोई बच्चे को हम लोग म्यूनसिपाली दवाखाने में ले भी जाते हैं, जिला परिषद के दवाखाने। और यहाँ पर मतलब सालगर में जितने भी त्यौहार रहते हैं उतने त्यौहार के आपके आश्रम मनाए जाते हैं? हाँ, राष्ट्रीय त्यौहार और सभी धर्मों के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो मतलब अभी ऐसा है कि जैसे कोई पेरेंट अडॉप्ट करने आता है बच्चों को, तो आप उनके सामने क्या क्या रखते हैं, मतलब क्या क्या आपको होते हैं जो मतलब हम लोग ऐसे ऐसे आप करेंगे तभी हम बच्चों को देंगे आपके पास, क्या क्या शर्तें होती आपको? हेलो, अभी 1.5 साल हो गया हमारे आश्रम को अडॉप्शन की लाइसेंस नहीं है। इसके पहले लाइसेंस ही होगा, ऑनलाइन अप्लीकेशन करना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लीकेशन यदि है सेंटर गवर्नमेंट, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद अगर उस एडॉप्टिव पेरेंट्स ने हमारी संस्था का नाम लिखा कि हमारी होम विजिट करो, तो हम होम विजिट करते हैं। बाकी अधिकार तो हमको है नहीं, लाइसेंस नहीं है, अडॉप्शन लाइसेंस नहीं है। पहले लाइसेंस थी तो बच्चे अडॉप्ट करने जाते थे, अब लाइसेंस नहीं है। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी अच्छी बातें सुनने को मिली आपसे, तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपको भी धन्यवाद देता हूँ, आपको भी अच्छा समय उनके लिए।